सुबह के 7 बज चुके हैं। हम हैं ओला सुनी के मठ में और ये मठ 200 साल पुराना है और यहाँ हमें रूम मिला था मठ के अंदर और ये तो बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम हैं ओला सुनी में। कल हमने कवर किया था ललितगिरी की जो मोनेस्ट्री है, जो ओल्डेस्ट, यहाँ इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, वहाँ पे देखने को मिलेंगी जो 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के सारे मतलब कि वहाँ पे आपको मूर्तियाँ और वहाँ ढांचे और एक मैंने आपको दिखाया था स्तूपा, तो ये कल हमने एक्सप्लोर किया था। और उसके बाद बिल्कुल उससे पहले ओला सुनी का रास्ता जाता केव के लिए, तो हम यहाँ आ गए थे मठ पे और ये मठ कम से कम 200-250 साल पुराना है। तो मैं अभी रूम दिखा देता हूँ जहाँ हमने स्टे किया था। ये रूम है हमारा, कल रात को हमने यहाँ पे स्टे किया था। ये रूम है, ये बेड है और ये हमारा सामान बिखरा, ये देखिए। रूम तो अभी लेटेस्ट बने हुए हैं लेकिन ये मठ कम से कम 200 साल पुराना है, कम से कम 200। अगर आपने रुकना हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं। 600 रुपये में नॉन एसी रूम है और 1200 रुपये में विद एसी रूम है। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये करीबन 200-250 साल पुराना मठ है। ये हनुमान जी का मंदिर है और ये देखिए आगे पूरा, ये पूरा मंदिर है, मठ है, ये देखिए पूरा मंदिर है ये। और यहाँ पेट पे मन्नत मांगी जाती है और ये दुपट्टा बांधा जाता है। तो हम देखने आए हैं केव, जो कि ओला सुनी केव काफ़ी फेमस है। तो भाई ये है केव गुफा, लेकिन ये बंद कर रखी है। अब इसके कई कारण है बंद करने के, आप पता नहीं, लेकिन ये केव यहाँ से जाती है लेकिन वो बंद है, दिखाई नहीं देगी। तो अभी मेरा तो प्रोग्राम है भीतरकनी का एक्सप्लोर करने का, अब मीत भाई का डामाडोल हो रहा है, पर देखते हैं क्या होता है और कल हम वापसी जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ भीतरकनी का, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, बस मैं रेडी हूँ, बस निकलता है। तो गाइस ये है ओली सुना का मठ, इसी के अंदर केव है लेकिन केव का रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा है। और ये मंदिर है यहाँ पे और जगन्नाथ का टेंपल है, हनुमान टेंपल्स है और रहने के लिए रूम्स है और व्यू बहुत प्यारा है चारों तरफ। और ये है A to Z शॉप, यहाँ पे चाबी मिलेगी भाई के पास, यही रूम अलॉट करता है, तो यहाँ इनसे संपर्क करना पड़ेगा A to Z वाले भाई के पास। और ये रास्ता था, रात को तो हम कैप्चर नहीं कर पाए लेकिन दिन में आप देखिए पूरी मतलब कि एक हिल पे बना रखा है ये मठ पूरा। और ये 200-250 साल पुराना मठ है ओला सुनी का और जो ललितगिरी से पहले पड़ता है। ये है ओला सुनी, सामने नज़र आ रहा है ये आपको, ये पहाड़ी ओला सुनी की है। कल हमने यहाँ पे स्टे किया था, यहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर है। और ये देखिए हाईवे, देखिए यार मस्त हाईवे है, बहुत ही प्यारा हाईवे है। और 8:50 हो चुके हैं और लगभग 11 बजे हम पहुँचेंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये देखिए गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर चल रही है हमारे साथ साथ, और इस तरफ भी रिवर है या लेक है पता नहीं, ये बहुत बड़ी लेक है या तो ये रिवर है। सिर्फ 14 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है और गूगल भाई भी 14 मिनट्स ही बता रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ से हम जा रहे हैं बोटिंग से, और यहाँ 4 लोग पहले एक बोट पे जा रहे थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं अकेला हूँ तो जो भी होगा कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, 2500 रुपये पर बोट है। तो मैं अब उनके साथ जा रहा हूँ, हम टोटल 5 लोग हो गए। तो अभी हमें दोस्त भीतरकनिका का जहाँ बोटिंग पॉइंट है, यहाँ से सारी बोट्स बन के चलती हैं, ये देखिए सामने
ये सारी। और यहाँ पे लगभग 2-3 घंटे बोटिंग कराते हैं, उसके बाद ट्रैकिंग है आगे, तो ट्रैकिंग आपके ऊपर डिपेंड है, 2 घंटे लगते हैं 3 घंटे लगते हैं, तो घूम फिर के आप आ सकते हैं यहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे बाद। तो गाइस अभी हम हैं बोट पे और भीतरकनिका से हम जा रहे हैं बोट से, और यहाँ पे हम देखेंगे मगरमच्छ और जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, मैंग्रोव हैं। तो मेरे साथ हैं 4 दोस्त हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। भाई जा रहे थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, तो भाई कह रहा चलो आ जाओ आप भी। तो ये भी भाई हमारे दिल्ली के पास से ही हैं, तो भाई अपना अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। भाई अपना नाम बताओ। हाय, माय नेम इज जितेंद्र यादव। कहाँ से? फ्रॉम गुड़गांव। भाई हैं गुड़गांव से। माय नेम इज वीरेंद्र सिंह यादव फ्रॉम गुड़गांव। कहाँ से? यूपी। तो यादव जी यूपी से हैं, तो भाई आप अपना बताएं। हाँ जी, मेरा नाम चौहान सिंह है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ इनकम टैक्स ऑफिस। ओके ओके। और रहने वाले मथुरा से? मथुरा से। तो भाई मथुरा से हैं, एक भाई यहीं से है ना, वो तो उड़ीसा से, एक भाई हैं उड़ीसा से, वो पीछे बैठे हैं। तो हम अब 5 लोग जा रहे हैं, पूरा धूम धड़ाका करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हमारा स्टॉपेज आ गया है, फर्स्ट स्टॉपेज, सामने लिखा हुआ है फॉरेस्ट ब्लॉक है ये पूरा। यहाँ पे क्या है? तो ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, हम जा रहे हैं एक शिकारगाह बना रखी है राजा ने, वहाँ से एक वॉच टावर है, तो जहाँ पे हमें ड्रॉप किया था वहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और करीबन 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं, लेकिन हालत ख़राब हो रही है मेरी, राइडिंग पैंट की वजह से चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और पसीना पसीना हो रहा है। और ये देखिए पूरा डेंस जंगल है, तो पता नहीं वर्थ है कि नहीं है, हम जाके देखते हैं वहाँ पे क्या व्यू नज़र आता है, फिर हम बताएंगे आपको। ये है वॉच टावर, गाइड सब पागल बनाते हैं, राजा ने बनाया था ये, किसी राजा ने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और ये सामने है जंगल, और जंगल को आप देख सकते हैं बस ऊपर से थोड़ा सा, और वहाँ से आपको कुछ ज़्यादा नज़र तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ऊपर चल के देखते हैं। अब गाइस अभी हम हैं वॉच टावर पे, और वॉच टावर से ये पीछे का व्यू इस तरह दिखाई दे रहा है, ये देखिए सामने, और ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो 3 किलोमीटर चलना ज़्यादा, अगर जंगल सवारी करनी है, घूमना है जंगल में, तो फिर तो ठीक है, और मंदिर है, और एक ये वॉच टावर यहाँ पे, बस इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो गाइस चलते हैं वापसी, अब 3 किलोमीटर फिर परेड होएगी, 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, मेरी राइडिंग पैंट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही, बाकी तो चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जंगल में घूमना है तो इसके लिए तो बेहतरीन जगह है ये, पूरा जंगल है, लेकिन जानवर कोई दिखाई नहीं दिया अभी तक। तो गाइस वापसी, हम अपनी बोट पे आ गए हैं, और यहाँ थोड़ा सा आगे शायद ले जा के वापसी ले जाएंगे हमें, वहीं जहाँ से हम बैठे थे। और भीतरकनिका कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया मैंग्रोव का जंगल है, और क्रोकोडाइल का घर है ये। इससे आगे का मैं बता दूँ, अब सिंपलीपाल की तरफ जाएंगे, और वहाँ से फिर सीधा हम निकल जाएंगे दिल्ली की ओर, और आज हमारा स्टे सिंपलीपाल या उससे कहीं आगे होने वाला है। और हमने अपनी नाव को मोड़ दिया है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, हम अब जा रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और ये है मैंग्रोव, ये नीचे देख रहे होंगे ये पूरा मैंग्रोव है यहाँ पे, और ये हमारी बोट, आप देख पा रहे होंगे ये बोट है हमारी, और नीचे बाइक लोग बैठे हैं, और ये चारों तरफ मैंग्रोव का जंगल।
तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने पार्किंग में। ये मेरी बाइक पार्क है, तो इन्होंने 20 रुपये किए हैं पार्किंग के। 2.5 आवर हो गया है पूरी बोट सर्फिंग करते हुए। हमें कम से कम 10-12 क्रोकोडाइल नज़र आए, और पानी के अंदर भी और पानी के बाहर तो ज़्यादा नज़र आए। इसके अलावा हमें डियर नज़र आए और एक दो रेयर बर्ड्स दिखाई दिए थे। कुल मिला के अगर आपको मगरमच्छ देखने हैं, डियर देखने हैं और बोटिंग करनी है, उसके लिए तो बहुत ही स्वर्ग है ये। 2.5 घंटे की बोटिंग होती है, और लेकिन वहाँ से आपको एक 3 किलोमीटर के लिए आपको लेके जाएंगे कि ये ऊपर व्यू पॉइंट पे ले जाएंगे, वो वेस्ट है। वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता, आपके परेड ज़रूर हो जाएगी, तीन आना तीन जाना 6 किलोमीटर की, तो वो अवॉइड करें। अभी नेक्स्ट जो प्रोग्राम है मेरा, मैं जा रहा हूँ सिमलीपाल। 1:30 बज चुका है, अब वहाँ पहुँचते मुझे लग रहा है 2 घंटे में पहुँचूँगा, तो 4 बज जाएंगे। अगर सिमलीपाल खुला होगा, नेशनल पार्क जो खुला है, तो मैं ट्राई करूंगा देखने की। अगर नहीं खुला हुआ तो फिर हम आगे निकल जाएंगे दिल्ली वाले रूट पे। हमने अब दिल्ली को जाना है। हमारा उड़ीसा का जो सफ़र था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो आज हमारा डे आखिरी है उड़ीसा में, तो अब हम निकलेंगे दिल्ली की ओर। तो समय 3:15 हो गया है, जबकि 3 बजे बताया था कि मुझे फेरी जाएगी यहाँ से, और 3:15 बज चुके हैं। अभी तक फेरी फूरी कुछ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन लोग सभी यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, तो फेरी लगभग आ चुकी होगी, आने वाली होगी, आ गई है फेरी। तो फेरी तो आ गई है, अब जाएंगे कैसे फेरी में। तो गाइस अभी हम हैं नाव पे, और भीतर कनिका से हम निकल चुके हैं। ये भीतर कनिका से जस्ट 200 मीटर आगे घाट है, वहाँ से ये नाव चलती है, और नाव पे हम बाइक लोड करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी सफ़र बच जाता है हमारा, तो सिमलीपाल यहाँ वहाँ जाके शायद 45 किलोमीटर रह जाएगा। अभी नेटवर्क तो नहीं आ रहे हैं, वहाँ जाके पता करेंगे, नेटवर्क आएंगे तो तभी गूगल के हिसाब से चलेंगे आगे फिर। अनसीन उड़ीसा राइड हमारी होती है कंप्लीट, और अब हम वापसी जा रहे हैं दिल्ली को। तो उड़ीसा की बहुत ही सारी यादें मैं सजो के ले जा रहा हूँ, और इन 10-11 दिनों में मैंने बहुत ही एंजॉय किया उड़ीसा, उड़ीसा के लोगों को, उड़ीसा से मुझे बहुत प्यार मिला लोगों का, बहुत ही प्यारे लोग हैं उड़ीसा के। हैट्स ऑफ टू उड़ीसा गवर्नमेंट, जिन्होंने रोड्स बहुत ही शानदार बना रखी हैं। तो अभी तो हम हैं उड़ीसा में, आज का स्टे आई थिंक उड़ीसा में ही होने वाला है, और उसके बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे अपनी दिल्ली को। तो गाइस मीत भाई हमें मिल चुके हैं, 4:30 बज चुके हैं, 4:26, हमें जाना है 1,667 किलोमीटर फॉर दिल्ली। तो गया और वाराणसी होते हुए, लखनऊ होते हुए हम पहुंचेंगे दिल्ली। ये रूट डिफरेंस रूट लिया है हमने, तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली, और दिल्ली को हम पहुंचेंगे 25 तारीख को। तो आज मैक्सिमम 3-4 आवर्स की राइड करेंगे, ताकि जो ये 17 आवर की राइड है वो घट के 13 आवर या 12 आवर रह जाए, देखते हैं। तो गाइस हमने शांति गेस्ट हाउस में चेक इन कर लिया है, और नॉन एसी रूम लिया है, क्योंकि रात का वेदर तो ठंडा रहता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एसी लेने का भी फ़ायदा नहीं है, एसी तो चलाना है नहीं। तो अभी 750 में मुझे बिल मिली है, और रूम भी बढ़िया है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। 3rd फ्लोर पे है ये, 8th नंबर रूम, चलते हैं। लगता है डिनर आ गया। हाँ